शुरुआती दौर से ही हिमालय में पिघलते ग्लेशियर अनगिनत नदियों का स्रोत रहे हैं। पर्वतीय श्रृंखलाओं से निकलने वाली ये नदियाँ पूरे दक्षिण एशियाई महाद्वीप में नसों की तरह बहती हैं। इन बेहद शक्तिशाली नदियों में एक है ब्रह्मपुत्र, जो हजारों किलोमीटरों की यात्रा कर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। यहाँ इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के रास्ते में कई द्वीप बनते हैं और कई जलमग्न होते हैं। बंगाली में इन रेतीले द्वीपों को चर कहते हैं, जो चोरा शब्द से बना है, जिसका मतलब है भ्रमण करने वाला। इन द्वीपों पर रहने वाले 30 लाख लोग खुद को चोरा बुलाते हैं। वे कहते हैं, हम यहाँ से नहीं जाते, द्वीप जाते हैं, हमें बस उनके साथ चलना होता है। जून से सितंबर के बीच मॉनसून के दौरान नदी के ज्वार उपजाऊ तलछट लाते हैं, जिससे शुष्क मौसम में भी भरपूर फसल होती है। बाढ़ चोरों के लिए मछलियां और खुशियां दोनों लाती हैं। लेकिन विनाश भी साथ आता है। बाढ़ से पुराने चरों की जमीन डूब जाती है और दुख पसर जाता है। खानाबदोशों की तरह चौरा बाढ़ वाले द्वीपों से नए उभरते हुए द्वीपों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें इसकी आदत है। वे जानते हैं कि नदी उन्हें उपजाऊ मिट्टी देती है, जिस पर वे मेहनत करके अच्छी फसल पाते हैं। निर्माण, विनाश और पुनर्निर्माण से भरी एक जिंदगी। कोई मछली नहीं है, कुछ भी नहीं। मछली पकड़ना भी एक पीड़ा है। अरे आज कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं। ध्यान से, एक बार के लिए ये काफी है। तैतीस साल के रहीम शौरकार असल में मछुआरे नहीं बल्कि किसान हैं। वो अपनी पत्नी आलिया बेगम के साथ मिलकर 6 लोगों के इस परिवार को चलाते हैं। उनके 2 बच्चों के अलावा उनका छोटा भाई और उनकी माँ भी उनके साथ रहते हैं। रहीम और उनके पड़ोसी जमुना के बीच रूलीपारा चर में रहते हैं। मॉनसून महीनों पहले शुरू हो चुका है। नदी द्वीपों को धीरे धीरे डुबोती जा रही है, लेकिन आम तौर पर चरों को डुबोने वाली लहरें इस साल अगस्त में भी नहीं आई हैं। हम चोरों के लिए नदी अभिशाप भी है और वरदान भी। यहाँ जहाँ जमुना बह रही है, ये पूरी जगह हमारी चर रूलीपारा थी। सड़कें थी, स्कूल थे, पक्की इमारतें थी, सब कुछ था। प्राइमरी स्कूल सभी बिल्डिंग सब पाका। फिर नदी ने पूर्व दिशा से आगे बढ़ना और सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। लेकिन ठीक यही एक चर दोबारा बन सकता है और लोग दोबारा यहाँ बस सकते हैं। और वहाँ जहाँ आज हमारा रूलीपारा गांव है, वहाँ जमुना बहा करती थी। बड़े बड़े जहाज गुजरा करते थे, मैंने खुद बचपन में देखा है।
चर रूलीपारा पिछले 12 साल से टिका है, जो एक अपवाद है। रूलीपारा उन एक दर्जन चरों में से है जो मिलकर गाबशारा जिला बनाते हैं। जिले के सारे द्वीप इतने वर्षों तक नहीं टिक पाए। थोड़े थोड़े सालों में जमुना कुछ चरों को बहा ले जाती है और नया तलछट कहीं और पहुंच जाता है। रहीम से कुछ ही दूर कुछ वक्त पहले तक शुर उस जमान मियां रहते थे, लेकिन अब उनके पुराने घर की जगह सिर्फ जमुना का पानी ही दिखाई देता है। जमुना ने उस जगह को डुबो दिया। किसान शुर उस जमान वहां अपने परिवार के साथ 8 साल से रह रहे थे। यहाँ पर मेरा घर था, संपत्ति के साथ खेत का एक हिस्सा भी बह गया। यहाँ एक घर था, उधर एक पड़ोसी का था, वहाँ एक और था, यहाँ मेरा एक और दोस्त रहता था। यहाँ 7 घर थे। जिस स्कूल में शुर उस जमान का बेटा पढ़ता है उसे तोड़ना होगा, क्योंकि पानी इसकी नींव से कुछ ही मीटर दूर है। मलबे को दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि भवन निर्माण सामग्री कीमती है। नया स्कूल कहाँ बनेगा फिलहाल पता नहीं, लेकिन अभी ये बंद है। मेरा बेटा इस स्कूल में जाता था, मेरी पूरी संपत्ति चली गई और अब इस स्कूल को भी खोने वाले हैं। ये इमारत जो आप देख रहे हैं, हमने इसे 6 साल पहले बनाया था, अब फिर से इसे तोड़ना पड़ेगा। पहले ये स्कूल कहीं और था, कटाव के कारण गिराना पड़ा और यहाँ बनाना पड़ा। दसियों बार हमें स्कूल को इस तरह एक से दूसरी जगह ले जाना पड़ा है। मॉनसून का मौसम और कटाव साथ साथ चलते हैं। कोई नहीं जानता नदी आगे कौन सा द्वीप डुबोएगी, शायद नूरपुर। ये चर सिर्फ 4 साल पुराना है। ये दिखने में कुछ खास नहीं है, लेकिन जिन किसानों के पास ज्यादा खेत नहीं होते उनके पास यहाँ बसने के अलावा कोई और चारा नहीं। चलो अपनी माँ के पीछे जाओ। यहाँ अमीना खातून रहती हैं। वो शादीशुदा हैं और उनकी 2 बेटियां हैं। उनके पति असीरुद्दीन खलीफा किसान हैं। दुर्भाग्य से उनके कुछ खेतों में पानी भर गया। अब खेती से परिवार का खर्चा उठाना मुमकिन नहीं रहा, इसलिए वो बाजार में सामान बेचते हैं। हमें जानवरों के साथ झोपड़ी में रहना पड़ता है। हमें चोरों लुटेरों का डर लगता है, क्योंकि नदी इतनी पास है। यहाँ अक्सर नदी के डाकू आते जाते हैं। हम गरीब हैं, हमारे पास बस कुछ जानवर ही हैं। अगर चोर लुटेरे उन्हें भी ले जाएंगे तो हम जिएंगे कैसे? पिछली बार पानी यहाँ तक भर गया था, कमर तक, रहना मुश्किल हो गया था। फिर हम कुछ दिनों के लिए एक पड़ोसी के घर चले गए, लेकिन बाढ़ वहां तक भी आ पहुंची। फिर हमें जानवरों को पानी से दूर रखने के लिए एक ऊंचा चबूतरा बनाना पड़ा। हम अक्सर नाव पर भी सोए हैं। रहीम का चर रूलीपारा फिलहाल स्थिर है।
यहाँ के लोग अभी भी जमुना और उसके शक्तिशाली ज्वार से सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन वे भी बाढ़ से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ये मेरा है, मैंने खुद उगाया है, उपज बढ़िया है। चावल एकदम नया है। शुक्र है तकनीकी विकास का कि हम नई किस्में आजमा सकते हैं। ये उन्नति होते से तो हमारा आबाद मोटामोटी होते से ये धान फसल फलन अनेक भलो है, किंतु हमारा छोटो समय तक धान आबाद छो ना ये करी नहीं। उपज अच्छी और ज्यादा होती है। जब मैं छोटा था तो इसकी सिर्फ एक तिहाई ही पैदावार हो पाती थी। ये चर सिर्फ 12 साल पहले नदी से उभरा है, लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं। हम मिट्टी को स्थिर करने के लिए तुरंत पेड़ लगाते हैं, बाद में उन पेड़ों को बेच सकते हैं। ये नींव हमने 2011 में बनाई थी, उसके बाद हमें जमीन के स्थिर होने तक इंतजार करना पड़ा। जब यहाँ अंदर पानी आ जाता है तो हमें नाव से और मिट्टी लानी पड़ती है, और फिर हम एक पहाड़ी बनाते हैं और उस पहाड़ी पर जानवरों को रखते हैं, और खाना पकाने के लिए ये मिट्टी का चूल्हा है, लेकिन हाँ उसमें भी पानी भर जाता है। फिर हम एक ऊंचा चबूतरा बनाते हैं और उसके ऊपर फिर नया चूल्हा। हम लकड़ी को सूखा रखने की कोशिश करते हैं और इसके ऊपर बैठकर खाना बनाते हैं। मैं अक्सर इनसे कहती हूँ कि शायद हमें शहर चले जाना चाहिए, पर ये चर नहीं छोड़ना चाहते। वे सबसे ज्यादा प्यार चर से करते हैं, उनके लिए शहर जाने का सवाल ही नहीं उठता। मैं इससे कहता हूँ कि अपने माँ बाप से पैसे क्यों नहीं मांगती, 5 लाख टका क्यों नहीं ले लेती। हम वहाँ जमीन खरीद लेंगे, लेकिन वो नहीं मांग सकती, सिर्फ शहर के सपने देखती है। हमारे पास पैसा है ही नहीं। रहीम और उनकी पत्नी आलिया दोनों ही दिन भर व्यस्त रहते हैं। अपने पति की तरह वो भी शिक्षित हैं, लेकिन यहाँ चर में महिलाओं के लिए अपनी स्कूली शिक्षा का फायदा उठाने के कोई अवसर नहीं है। आलिया काम में अपने पति का हाथ बटाती हैं और सिलाई से अतिरिक्त पैसे कमाती हैं। पड़ोसी शहर की बजाय उनसे कपड़े खरीदते हैं। चूंकि मॉनसून के दौरान फसल का काम बहुत कम होता है, कई चौरे इस दौरान मछली पकड़ने पर निर्भर रहते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में ज्यादा मांग वाली मछलियां कम होती जा रही हैं। यहाँ कई तरह की मछलियाँ होती हैं। अनुभवी चौरे तो इन्हें हाथों से भी पकड़ सकते हैं। देखो कितनी बड़ी है। किसान अब सिर्फ अपने परिवारों को खिलाने के लिए मछली नहीं पकड़ते, वे पकड़ी गई मछलियों की नीलामी के लिए गोविंदाशी बंदरगाह आते हैं ताकि थोड़ी कमाई हो सके। रहीम भी कई बार गोविंदाशी बाजार जाते हैं। यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं है। चार सौ साठ
कोई है 70 वाला? 470। पाँच सौ। कोई है 515? 515। कोई नहीं तो गया 500 में। रहीम रात के खाने के लिए महंगी मछली लाते हैं। रहीम को अब भी भरोसा है कि उनकी जमीन बढ़ते पानी से सुरक्षित है, लेकिन उनसे कुछ ही दूर कहानी बिल्कुल अलग है। शुर उस जमान अपनी जमीन छोड़ चुके हैं और घर के कुछ हिस्सों को रिश्तेदारों के यहाँ जमा कर रहे हैं। यहाँ एक पूरी झोपड़ी के कई अलग अलग टुकड़े हैं और दूसरी झोपड़ी की कुछ दीवारें, मैंने उन्हें भी ऊपर रखवा दिया है। जब हम झोपड़ियों को गिराते या दोबारा बनाते हैं तो काफी लोग लगते हैं। देखा जाए तो ये एक बड़ा काम है जिसमें पैसा भी खर्च होता है। ये काफी मुश्किल काम है, लेकिन हम चौरे एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर आज मैं अपना घर गिराने का फैसला करूं और पड़ोसियों को बताऊं, तो वे फौरन आ जाएंगे। अगर मुझे किसी पड़ोसी के घर बदलने का पता लगे तो मैं वहां जाऊंगा और झोपड़ी तोड़ने में, ले जाने में और दोबारा खड़ी करने में मदद करूंगा। सभी चौरे ऐसे ही एक दूसरे की मदद करते हैं। निर्माण करा जाए, সেখানে নির্মাণ করে দেই। এই একত্ববদ্ধতা আমাদের চরের মানুষের আছে মধ্যে আছে। शुर उस जमान को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ तब तक रहना होगा जब तक कोई नया सुरक्षित ठिकाना नहीं मिल जाता। नदी का पानी बढ़ रहा है। चर अस्थिर हैं, लेकिन उनकी जमीन और खेतों का अभी भी सर्वेक्षण होता है और जमीनें पंजीकृत होती हैं। कहीं बाढ़ वाली जमीन वापस उभर आए, इसके चलते सभी चौरे जमीन के कागज संभाल कर रखते हैं। शायद इस बार शुरू जमान की किस्मत अच्छी होगी और जमुना उनको उनकी जमीन लौटा देगी। बाढ़ का पानी आने से पहले नजारा ऐसा होता है। हरी घास पशुओं का चारा है, लेकिन जमीन पर खेती करने के लिए घास हटानी पड़ती है। आमतौर पर बाढ़ ये काम करती है, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो किसानों को केमिकलों का छिड़काव कर खरपतवार हटाने पड़ते हैं। जूट खास तौर पर एक सख्त फसल है, लेकिन इसे सिर्फ मानसून में ही उगाया जा सकता है। इसे बांग्लादेश का सुनहरा धागा कहने का एक कारण है, ये बाढ़ में भी पनपता है। पानी जूट का दोस्त है, ये स्थिर पानी पसंद करता है, जितना ज्यादा खारा उतना अच्छा। कटाई के बाद डंठल को नरम होने के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है ताकि उनके धागे खींचे जा सकें। पौधे के बाकी हिस्सों का इस्तेमाल भवन निर्माण और दहन सामग्री के रूप में किया जाता है।
एक किलो जूट का लगभग एक यूरो मिलता है। किसान इससे लगभग 400 से 500 यूरो कमाते हैं। आमतौर पर होने वाली 100-200 यूरो की मासिक कमाई से कहीं ज्यादा। जूट और चावल जैसे उत्पादों के साथ चौरों ने सूखे और बरसात के मौसम के साथ तालमेल बिठा लिया है। जब बिजली की बात आती है तो उन्हें प्रकृति के नियमों से भी तालमेल बिठाना होता है। सौर पैनल इस्तेमाल में आसान होते हैं और आसानी से लाए ले जाए जा सकते हैं। कुछ साल पहले तक चौरों के लिए महंगा ईंधन ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत था। आज बच्चों के लिए सौर ऊर्जा आम बात हो चुकी है। 6 साल के आशिक के लिए ये रोजमर्रा की चीज है। रहीम के भाई के लिए लैपटॉप चार्ज करने का जरिया पैनल ही है। मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए वो लैपटॉप में इंटरनेट चला रहे हैं। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो धान के खेत की निराई कर लोगे? ठीक है, मुझे एक मीटिंग में जाना है। मेरा भाई पढ़ा लिखा है लेकिन खेती उसका बड़ा शौक है। वो कुछ और नहीं करना चाहता था और मैं घर से वेब डिजाइनर का काम करना चाहता हूँ। इस काम को सीखने और ये सब उपकरण खरीदने में मेरा भाई मेरी मदद करता है। वो मुझे आर्थिक सहारा देता है। लेकिन मेरे पास वेब डिजाइनिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं है। मैं देश के पेशेवर वेब डिजाइनरों, यहाँ तक कि प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनरों को भी देखकर सीखता हूँ। उनकी किताबें पढ़ता हूँ, ब्लॉग्स और यूट्यूब वीडियो देखता हूँ। मुझे लगता है कि चर के युवाओं में काफी काबिलियत है। अगर मैं उन्हें एक साथ ला सका तो इस तरह की ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए यहाँ एक कंपनी खोलना चाहूंगा। देरी से ही लेकिन सितंबर की शुरुआत में बाढ़ आ चुकी है। आमतौर पर चौरे जून से अगस्त के आखिरी दिनों के बीच 3 ज्वारीय लहरों की उम्मीद करते हैं, लेकिन इस बार चढ़ता पानी एक बार ही आया। यहाँ भी जलवायु परिवर्तन का असर साफ दिख रहा है। कुछ ही दिनों में बाढ़ का पानी खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। जैसे जैसे नदी अपना कहर बरपाती है, कोई उसके उपजाऊ तलछट के बारे में नहीं सोचता। भले ही आने वाले शुष्क मौसम में ये बाढ़ चौरों के लिए भरपूर फसल की बड़ी वजह होगी। यहाँ 3 दिन से खेत में पानी भरा हुआ है। 7 दिन पहले ये बढ़ना शुरू हुआ था। पहले नदी उफान पर थी, फिर पिछले 3 दिनों में यहाँ पानी घुस गया। अगर ऐसे ही पानी बढ़ता रहा तो सारा चावल बर्बाद हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि मेरी किस्मत में ये चावल है या नहीं, लेकिन उपज बहुत बढ़िया हुई है। पानी हमारे आंगन के पास आ चुका है। बच्चे यहाँ खेलते हुए किसी गड्ढे में भी गिर सकते हैं। ये काफी खतरनाक है। पापा मुझे नहाना है। नहीं, अभी तो नहाए थे।
तो ऐसी ही जिंदगी जीते हैं हम यहाँ पर। कुछ दिन पहले हम यहाँ रास्ते पर घूम रहे थे, सब कुछ सूखा था और अब पानी में चल रहे हैं। कभी कभी पानी छाती तक और कभी कभी सिर के ऊपर तक आ जाता है। कभी कभी ऊंची लहरें भी होती हैं। रहीम बाढ़ को लेकर निश्चिंत नजर आ रहे हैं। आलिया ज्यादा चिंतित हैं। उनके घर के पास की जमीन अभी भी सूखी है, लेकिन अगर पानी आंगन में घुस गया तो रोजमर्रा की जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। जैसा कि करीब 25 वर्ष पुरानी इस फुटेज में दिखता है, चोरों को बाढ़ के अनुकूल खुद को ढालने के लिए असाधारण कौशल विकसित करना पड़ा है। उनका कहना है कि बाढ़ तेजी से बदतर होती गई है, जिसका कारण कुछ हद तक प्रकृति है। 25 साल पहले यहाँ एक पुल बनाया गया था, जिसने कभी 14 किलोमीटर चौड़ी रही इस नदी को संकरा बना दिया। चोरों का कहना है कि पुल बनने से पहले तक बाढ़ इतनी भीषण नहीं थी जितनी आज है। इस बार मॉनसून में केवल एक बड़ी लहर आई। ये भारी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी लाई, जिसे जोता जाना था। शुष्क मौसम शुरू हुए काफी वक्त हो चुका है। अब 5 महीने बाद फसल काटने का समय है। रहीम अपनी धान की फसल को बचा नहीं पाए, पानी ने उसे बर्बाद कर दिया, लेकिन वो अपने बाकी खेतों को बचाने में सफल रहे। जो इलाका अब तक एक आपदा क्षेत्र हुआ करता था, अचानक बहुत अलग दिखाई देता है। इसे देखकर लगता है कि यहाँ रहा जा सकता है, ये एक अलग दुनिया है। लेकिन जो दूरियां बरसात के मौसम में नाव या वाटर टैक्सी से जल्दी तय की जा सकती थी, उनमें अब ज्यादा समय लगता है। मॉनसून में पानी बहुत ज्यादा होता है, पर इस वक्त ये दुर्लभ हो गया है, जबकि किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए अब इसकी सख्त जरूरत है।
कुछ जगहों पर मिट्टी अभी भी गीली है और धान बोने के लिए अच्छी है। धान पूरे साल उगाया जा सकता है, लेकिन बाढ़ से पहले इसकी कटाई कर लेनी होगी। यहाँ सिर्फ चावल ही नहीं उगता, सूखे मौसम के दौरान चौरे एक के बाद एक खेत काटने में व्यस्त रहते हैं। मूंगफली, मक्का, शकरकंद, सरसों और धनिया की पैदावार रहीम को व्यस्त रखती है। हम ऐसा सोचते ही नहीं हैं कि यहाँ कोई नदी है। ये बाढ़ हमारे लिए वरदान की तरह है, क्योंकि जितनी बाढ़ आएगी उतनी अच्छी हमारी खेती होगी और उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। नदी होलो जखन बर्षा हो तखन नदी। मानसून में इस पूरी जगह पर नदी होती है और खत्म हो जाने पर हमारे खेत सिर्फ 2-3 महीने ही होते हैं जब पानी जमा होने की वजह से हम कुछ रोप नहीं पाते। बस इसी दौरान खेती नहीं हो पाती, फिर सब जगह नदी का पानी होता है। इसलिए मुझे लगता है हम नदी में रहते हैं, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता। और यहाँ की मिट्टी का एक बड़ा फायदा है कि हमें पौधों के लिए हमेशा पानी की जरूरत नहीं होती। कभी कभी आपको सिर्फ रेत दिखाई देती है, जैसे यहाँ ये मिट्टी। देखिए मूंगफली कैसे बढ़ रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मिट्टी कितनी सूखी है। रहीम के पड़ोसी चुर उस जमान भाग्यशाली रहे। राजापुर द्वीप नदी से दोबारा उभर आया, जिस पर उनकी थोड़ी सी जमीन है। मिट्टी अच्छी और ऊंची है। लगता है पिछले मानसून के दौरान झोपड़ियों और खेतों की बर्बादी वाले कटाव से बची हुई है। अब वो यहाँ अपने नए घर की नींव रख रहे हैं। ये इतना ऊंचा होना चाहिए ताकि अगली बाढ़ में डूबे नहीं। अब हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। हम खेती से अपने लिए अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन ये कटाव एक बड़ी समस्या है। जैसे अब ये घर जो मुझे यहाँ फिर से बनाना है, इसमें मुझे कुल मिलाकर लगभग 1,000 यूरो खर्च करने पड़ेंगे। मैं ये पैसे बचा सकता था, लेकिन खर्च करना मजबूरी है। हम चोरों के लिए यही समस्या है। अगर हर 3 या 4 साल में नदी मेरी संपत्ति खा जाती है तो मैं कोई बचत कर ही नहीं सकता। भले ही द्वीप की जमीन मजबूत करने के लिए यहाँ पेड़ नहीं है, फिर भी नया प्लॉट उम्मीद जगा रहा है। नदी सुरक्षित दूरी पर है। शुर उस जमान ने समय से पहले ही अगले कदम की योजना बना ली थी और सभी पड़ोसी इसमें मदद कर रहे हैं। चुर उस जमान के लिए फिलहाल हालात अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन जमुना की भूख कब जागेगी और वो कब किनारों को कुतरना शुरू कर देगी कोई नहीं जानता। अधिकांश चौरे धर्मनिष्ठ मुस्लिम हैं, पर कम लोग ही दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं। हालांकि कोई भी किसान फरवरी के अंत में फसल कटाई के वक्त होने वाले आध्यात्मिक कीर्तन को छोड़ना नहीं चाहेगा।
स्कूल गए थे? हाँ, टीचर से भी मिला। वो क्या बोले? वो बोले मुझे मन लगा कर पढ़ना चाहिए, मैंने उन्हें घर बुलाया है। आपने गायों को चारा दिया? हाँ शायद, पर एक बार देख लो। लोग भी मान से विदेश जाते हैं। हाँ विदेश, और ये क्या है? ये यू है, एक लंबा यू। ये बेड़ा देख रहे हो यहाँ, पता है ये किससे बनता है? केले के पेड़ से। बिल्कुल सही, इस बेड़े पर उन्होंने क्या रखा? भेड़े। और इस लड़की को देखो, वो इस लड़के की बहन है, देखो कितनी डरी हुई है, वो पानी में गिरने से डर रही है। पर मुझे पानी से डर नहीं लगता। चर नूरपुर भी मॉनसून से बच गया है, लेकिन अब खेतों में बहुत काम है। अमीना के पति असीरुद्दीन अपनी छोटी बेटी की देखभाल कर सकते हैं, अब उन्हें काम के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। यानी अमीना बड़ी बेटी की पढ़ाई का ख्याल रख सकती हैं और घर के कामों के लिए ज्यादा समय दे सकती हैं। मेरे पिता पशु व्यापारी थे, जब मैं छोटा था वो मुझे अपने साथ ले जाते थे, इसलिए मैंने उन्हें देखकर सीखा कि व्यवसाय कैसे होता है। दुर्भाग्य से मैंने स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की, इसलिए मैं बतौर सेल्समैन पैसे कमाता हूँ। मैंने सातवीं कक्षा तक जैसे तैसे पढ़ाई की, फिर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करा दी तो आगे नहीं पढ़ पाई। हम गरीब चौरे हैं। सोयरा मनुष गरीब मुने करंजे मैं अगल डांगरो वेती ना वेती बिया दे दे। लड़कियों की शादियाँ जल्दी हो जाती हैं और शादी के बाद वापस स्कूल नहीं जा सकते, फिर घर का काम करना पड़ता है। मेरे माँ बाप ने कोशिश की और मेरे पास पढ़ाई पूरी करने का मौका भी था, पर मैंने ही उसे गंवा दिया। ये ऐसा है जैसे आपकी आंखें ठीक होते हुए भी आप अंधे हों। जो शिक्षित हैं वो ठीक से देख पाते हैं, सब कुछ समझते हैं और जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके लिए सब कुछ काफी आसान हो जाता है। और जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते वो स्वस्थ आँखों वाले अंधे लोगों की तरह होते हैं। ऐसा ही है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना नाम तक नहीं लिख सकते। मैं अपने बच्चों को सातवीं तक की पढ़ाई घर पर करा सकती हूँ। मैं एक और गट्ठर लाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये काफी है। एक और, अगली बार तक के लिए रुको। लीजिए, मुझे एक और ले जाना है। अच्छा बस, मुझे एक और चाहिए। नहीं ले जा पाओगे। ले जाऊंगा। शुष्क मौसम अच्छी फसल और कुछ सुरक्षा लेकर आया है। चावल के डंठल कीमती होते हैं, ये जानवरों का चारा बनते हैं। इन्हें ऊंचे स्थान पर जमा किया जाता है ताकि बाढ़ आने पर भी बर्बाद ना हो। पापा पापा, देखो देखो मैं क्या लाया। बाप रे, इतना सारा कहाँ रखूं? यहाँ ले आओ। 6 साल के आशिक के लिए चर की जिंदगी उत्साह भरी है। उसे नहीं पता कि उसका परिवार किस चीज से गुजरने वाला है। मॉनसून का मौसम, फिर से अनिश्चितता का दौर शुरू हो जाएगा। हालांकि परिवार जानता है कि प्रकृति की लय से कैसे निपटना है, आसान जीवन के लिए कोई सुरक्षित आधार नहीं है। आलिया ये जानती हैं। फसल लाने के लिए आपको हर बार नदी पार करनी पड़ती है? दोबारा मुश्किल होने वाली है। पिछले साल आपने यहाँ फसल उगाई थी? नहीं, और दूर, वो बहुत थकान भरा काम था।
इस साल पता नहीं कैसे कर पाऊंगा, तुम आओगी? नहीं, मुझे नहीं आना। क्यों? बहुत दूर है, आप किसी की मदद क्यों नहीं लेते? पता है, जो औरतें खेतों में काम करती हैं, वो मूंगफली के बड़े बड़े बोरे ढोती हैं। उन्हें आदत हो गई है, मैंने कभी किया ही नहीं। तो करना चाहिए ना, कभी कोशिश करके देखो। नहीं, मुझे नहीं करना। तो क्या सब कुछ मुझे खुद करना पड़ेगा? और कौन करेगा? मुझे लगता था कि कभी न कभी हम शहर में रहेंगे ताकि बच्चे स्कूल जा सके। क्या तुम्हारे पास शहर में संपत्ति है? अब आप यहाँ अपने खेतों को छोड़ना नहीं चाहते, शहर में अपनी नौकरी भी छोड़ दी, वो भी हर समय चर पर हल चलाने के लिए, लेकिन जिंदगी जीने के लिए इतना काफी नहीं होता। शायद तुम यही चाहती हो कि मैं शहर में अकेले मेहनत करके तुम्हें पैसे भेजूं ताकि तुम यहाँ आराम की जिंदगी जियो। तो खोदते रहिए इस रेत को, नौकरी की जरूरत नहीं है आपको। ये बात अपने बेटों को बताओ, उन्हें शहर जाकर पैसे कमाने चाहिए और वहीं जिंदगी बनानी चाहिए। मैं यहीं चर पर रहूंगा। कई चौरे रहीम की तरह सोचते हैं, वो शायद ये जगह कभी ना छोड़े, लेकिन यहाँ दो चीजें कभी नहीं बदलने वाली, चर की परिवर्तनशील प्रकृति और चौरों की सुरक्षित जीवन की इच्छा।